हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे आम का अचार, वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में। सबसे पहले मैंने आम को काट के धूप लगवा ली थी एक दिन, और आम मैंने जैसे काटे हैं, ये गुठली का छिलका होता है ये नहीं निकाला मैंने, और थोड़े बड़े साइज़ में काटे हैं। और ये मैंने ली है सौंफ, बड़ी अचार वाली सौंफ, कलौंजी, मेथी, नमक और हल्दी, ये सब मैंने छोटी कटोरी ली है आधे आधे, और 1 किलो है ये आम। सबसे पहले मैं कढ़ाई में ये जो मसाले हैं इनको थोड़ा रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल काले होने तक नहीं इनको भूनना, बस उतना भूनना है कि इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। ये जो मैं अचार बना रही हूँ ये बचपन से यही खाते आ रहे हैं, जैसे मदर और दादी, जैसे घर के आम थे तो ऐसे ही बनाते थे, मैं सेम वैसे ही बना रही हूँ। आप एक बार ट्राई करना, बना के देखना कि आपको कैसा लगता है। अब मैंने डाली है इसमें हींग, आधा चम्मच मैंने इसमें हींग डाली है। हींग का फ्लेवर आम के अचार में बहुत अच्छा लगता है। इसको 5 से 7 मिनट तक मैं रोस्ट किया है मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये ज़्यादा काले ना हो जाए मसाले। जब ये मसाले रोस्ट हो जाएंगे तो मैं इनको एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल दिया है। अब मैंने लिया है फॉर्च्यून का कच्ची घानी ऑयल, आप कोई भी कच्ची घानी सरसों ऑयल ले सकते हो, मैंने ये 3 मिलीलीटर लिया है। ऑयल इसमें ज़्यादा ही डलता है अचार में, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आता है, और इससे ये जो अचार है वो ख़राब भी नहीं होता। अब मैंने एक बड़ी परात ली है, उसमें मैंने सारे ये जो आम थे मैंने डाल दिए हैं, और मसाला डाल दूँगी ये सारा। इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, पर हम जैसे स्टाइल जिस स्टाइल में खाते हैं बचपन से, मैं वैसे ही बना रही हूँ सेम। जब ये मसाले गल जाते हैं तो इसका अलग फ्लेवर आता है अचार में। और ये मैंने ली है हल्दी और नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और इसमें अगर आपने थोड़ी मिर्ची भी ऐड करनी है तो कर सकते हो। अब मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने ऑयल गरम किया थोड़ा तेज़ गरम, वो इसमें मिक्स कर दूँगी। तेज़ गरम ऑयल डालने से जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं, और इसमें थोड़ा फ्लेवर भी आ जाता है। इसको मैं सारे को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई जैसे कोई अचार है जैसे उसमें ये मसाला रह ना जाए लगने से। अचार में जो वो गुठली होती है, जो गुठली का छिलका है, अगर उसको डाल के अचार बनाते हैं तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। अब मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है अचार को, देखो सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको कंटेनर में डाल लूँगी एक। इसको अचार को बनने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं, और आप इसमें ऑयल और भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ऑयल से ही इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखो हमारा अचार कितना अच्छा लग रहा है।
आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर प्लीज़ आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।